विधायक धर्मजीत सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ उन्होंने कहा है चलिए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव के करीब आते ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां विधायकों पर नजर टिकाई बैठी है। इनमें कई ऐसे विधायक हैं जो कि मैच जिताऊ बल्लेबाज की भूमिका में नजर आते हैं। वहीं 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस की लहर पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही थी, इस दौरान लोरमी से जोगी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अपनी चुनाव का विजय झंडा गाड़ने में कामयाब रहे। लोरमी विधायक जो प्रदेश में कद्दावर नेता के तौर पर भी नजर आते हैं, यही वजह है कि अब 2023 के चुनाव आने से पहले ही दोनों ही पार्टियां अब इन पर ध्यान दे रही हैं कि कौन इस मैच जिताओ बल्लेबाज को अपनी टीम में शामिल करे। तो सीधे तौर पर हम बातचीत करेंगे लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह जी से। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही ये कहा है कि मैं अभी एक चौराहे पर खड़ा हूँ। मुझे मेरे दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे दल से निकाल दिया। मेरी अभी तक के न भारतीय जनता पार्टी के किसी बहुत ही सर्वोच्च नेता से बात हुई है और न ही कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री या अन्य किसी नेता से कोई बात हुई है, न उन्होंने मुझसे कोई बात की है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो भी निर्णय होगा 2-3 महीने के अंदर ही होगा और जो भी होगा मैं उसे सार्वजनिक रूप से बता के करूँगा। काफ़ी सुबगाहट जो चेंज हुई है, बीजेपी भी प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर अमन सिंह जी का भी बयान आ था कि हम भी प्रयास कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। वहीं कल एक बयान ने एक बार फिर से सियासी भूचाल मचा दिया है धर्मजीत उनका चरणदास महंत जी का, कैसे देखते हैं दोनों पार्टी से प्रयास हो रही है? देखिए, डॉक्टर अमन सिंह साहब बहुत बड़े नेता हैं और वो कोई प्रयास नहीं करना है और ना उन्होंने किया है। वो तो इतने बड़े नेता हैं कि अगर कुछ करना होगा तो मैं ही प्रयास करूँगा, वो थोड़ी प्रयास करेंगे। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की भी स्थिति है। तो मैं जब आपसे बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक किसी भी पार्टी से कोई बात नहीं की है, तो मैं ज़रूर बात करूंगा और बहुत जल्दी करूंगा, पर 1-2 महीने के अंदर ही उसका फैसला होगा। जहां तक डॉक्टर चरणदास महंत जी की बात है, तो वो महंत जी मेरे बहुत ही पुराने आदरणीय नेता हैं, हम उम्र हैं। जब वो राज्य मंत्री कृषि थे तब से उनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, जब दिल्ली में मंत्री थे तब भी उनसे जुड़े हुए थे, सांसद थे तब भी मिलने जाते थे, तो उनसे एक प्रकार की मित्रता या पारिवारिक संबंध है और मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ, आदर भी करता हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे आमंत्रण पर वो अपना अमूल्य समय निकाल करके लोरमी आए और उनका जो भी बयान है वो मेरे लिए व्यक्तिगत प्रेम का प्रतीक है। लेकिन उन्होंने जब मेरा नाम का जिक्र किया पत्रकार साथियों ने, तो उन्होंने कहा कि धर्मजीत सिंह स्वतंत्र हैं, जहाँ भी चाहें वहाँ जा सकते हैं, वैसे हमारे दिल के नज़दीक हैं और जो भी मैं निर्णय लूँगा उसे मैं आप सबको बताऊंगा और ये निर्णय मेरे समर्थकों की भी जानकारी में रहेगी। तो मेरी समर्थकों से लगातार बात हो रही है, मैं जल्द ही निर्णय लूंगा 2-3 महीने बाद जिस पार्टी में मुझे जाना होगा और जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना है। हालांकि मुझे टीम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्षेत्र की जनता का प्रेम मुझे शुरू से मिलता रहा है और वहीं जो बयान से ही जो सियासत में हलचल जो पैदा हुई है डॉक्टर चरणदास महंत जी के, उनके बयान को भी कहा गया है कि उनके प्रेम का प्रतीक है, इसलिए इस बयान को राजनीतिक तौर पर ना देखा जाए। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ संदीप करिहार, NH24/7 बिलासपुर।